ऑपरेशन राप्ती श्रावस्ती पुलिस अंकित की तलाश हुई। खतनी कोना ग्राम मोहम्मदपुर राजा का एक युवक का शव 5 दिनों बाद बलरामपुर कोतवाली देहात ग्राम सरदारगढ़ में राप्ती नदी किनारे चरवाहों ने देखी, जिसकी सूचना ग्राम प्रधान को दिया। ग्राम प्रधान ने दूरभाष से कोतवाली देहात बलरामपुर को सूचना देकर पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से युवक का शव बाहर निकलवाया गया। शव की पहचान लापता युवक के परिवारिक जनों ने अंकित पांडे के रूप में की गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय बलरामपुर भेज दिया गया। थाना इकोना ग्राम मोहम्मदपुर राजा चिरहंदापुर निवासी राधे श्याम पांडे का 15 वर्षीय युवक अंकित पांडे 5 दिन पूर्व मंगलवार की रात लगभग 8 बजे राप्ती नदी गांव के प्रदीप शुक्ला पुत्र जुग्गी लाल शुक्ला व विनोद पुत्र हृदय राम शुक्ला पदा उपरोक्त के साथ फसल की रखवाली के लिए गया हुआ था। बुधवार को सुबह दोनों प्रदीप शुक्ला व विनोद शुक्ला दूध लेकर वापस घर लौट आए, लेकिन अंकित पांडे वापस नहीं लौटा। काफी देर समय बीतने के बाद युवक के पिता राधेश्याम पांडे अपने पुत्र की तलाश में गांव के तमाम लोगों के साथ ग्राम भूतहा राप्ती नदी पार करके तलाश करने गए, लेकिन युवक अंकित पांडे नहीं मिले। थाना इकोना पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ करने पर प्रदीप शुक्ला व विनोद शुक्ला को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, तो उन्होंने युवक अंकित पांडे को राप्ती नदी में रात में गिर जाने की घटना कबूल की गई, लेकिन अंकित पांडे का पता नहीं चल सका। प्रभारी निरीक्षक ने 30वीं बटालियन पीएसी गोंडा बाढ़ एवं राहत दल को बुलाकर राप्ती नदी में काफी खोजबीन करने के पता नहीं लग सका। शनिवार को बलरामपुर कोतवाली देहात ग्राम सरदारगढ़ में राप्ती नदी किनारे चरवाहों ने किनारे लगी हुई एक शव देखी गई। इसकी सूचना ग्राम प्रधान सरदारगढ़ को चरवाहों ने दिया। ग्राम प्रधान ने दूरभाष से अज्ञात शव की सूचना थाना कोतवाली देहात बलरामपुर को सूचित किया गया। सूचना पाकर कोतवाली देहात बलरामपुर की पुलिस ने ग्राम सरदारगढ़ में पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकलवाया गया। थाना इकोना की पुलिस को सूचना मिलते ही पीड़ित परिवार के लोगों को घटना स्थल ग्राम सरदारगढ़ भेजकर अज्ञात शव की पहचान कराई, जहां पर पीड़ित परिवार ने अपने लापता युवक अंकित पांडे के रूप में शव की पहचान किया। कोतवाली देहात बलरामपुर की पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय बलरामपुर भेज दिया गया। सब्सक्राइब करें जनरथ एक्सप्रेस को और पाएं अपने शहर की खबरें सबसे।